वेलकम टू बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि एक इन्वेस्टर की कॉमन मिस्टेक, कैसे लोग मुनाफा कमाने से पीछे हो जाते हैं, क्यों नहीं कमा पाते लोग मुनाफा शेयर मार्केट से। ऐसी 7 गलतियां जो लोग आमतौर पर कर ही देते हैं, जिसको कोई रोक नहीं सकता, ना खुद को रोक पाते। इसके लिए ज़रूरी है खुद के ऊपर कंट्रोल। आइए जानेंगे यही इंटरेस्टिंग बातें। इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जिसने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है वो खुलवा लीजिए, तभी तो ट्रेडिंग होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप साइन अप कर दीजिए। ब्रोकर अपने आप कॉल करेगा और आप डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, बहुत अच्छा ब्रोकर है। और उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, ये मेरे पिछले वीडियो हैं, आप देखिएगा। 1,00,000 रुपए 5 साल में बन गए 1 करोड़, बहुत लोगों के बने भी हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर स्टॉक, 100 रुपए से कम का शेयर, ये भी बहुत बढ़ रहा है शेयर। शेयर मार्केट का दौड़ने वाला स्टॉक, ये दौड़ रहा है। बिटकॉइन से बनो करोड़पति, बहुत पैसा कमा चुका है लोग इस बिटकॉइन में। आप भी जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसमें लिंक दिया हुआ है, और बिटकॉइन ख़रीदिए। बहुत से लोग ख़रीद रहे हैं, मेरे पास सही बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि सब पूछ रहे हैं कैसे ख़रीदना है। बहुत से लोग ख़रीद रहे हैं और मुनाफा बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एक रिचार्ज का 75 रुपये ये प्रॉप्स दे रहे ऐप से दे रही है, बहुत अच्छी ऐप्स है। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा पिछला वीडियो है, मार्केट क्या है, कैसे निवेश करें, देखिए आप। अगर आपका ओपन नहीं हुआ मार्केट, देखिए आप। पहला अपना पॉइंट है सस्ता स्टॉक। आमतौर पर देखा जाता है लोग सस्ता स्टॉक देखते हैं, उसमें देखते हैं कि मार्केट में, कि शेयर बाज़ार में कितना सस्ता स्टॉक है। सस्ता स्टॉक होगा तो ज़्यादा स्टॉक ले लेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप सस्ते स्टॉक के पीछे मत भागिए, आप अच्छा स्टॉक लीजिए, क्योंकि सस्ता स्टॉक अगर उसकी कंपनी ख़राब होगी तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, और अच्छा स्टॉक होगा भले ही वो 2,000 या 50,000 रुपये का भी क्यों ना चल रहा हो, अगर स्टॉक महंगा होगा और अच्छा होगा तो बहुत तेज़ी से और अच्छी तरक्की करेगा। इसलिए आप सस्ता स्टॉक मत देखिए, क्योंकि आप देख लिया सस्ता स्टॉक है तो मत देखिए। स्टॉक देखिए, स्टॉक चयन कीजिए, उसमें देखिए आप उसका कितना प्रॉफिट, इतना कितना लॉस कंपनी का है, उसके क्वार्टर बाय क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, रेवेन्यू देखिए, मार्केट कैप देखिए, उस पर कितना कर्ज है, डिविडेंड दे रही है, बुक वैल्यू, और भी कई फैक्टर हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस कीजिए, क्योंकि आप वो स्टॉक नहीं ख़रीद रहे हैं, उस कंपनी को ख़रीद रहे हैं, ऐसा मान के चलिए, तो ही आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये गलती ना करें। दूसरा पॉइंट है, जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं लोग, कि मैं इसको ले लूँगा और रोज़ ट्रेडिंग करूँगा तो 1,000 रुपये रोज़ का कमाऊँगा, तो महीने के 30,000 रुपये कमा लूँगा और साल के 360 दिन में इतने कमा लूँगा। ऐसा लोग बहुत जल्दी अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि उनको एक बार प्रॉफिट हो गया तो अनुमान लगा लिया कि अब तो मैं तो बहुत जल्दी मार्केट को पकड़ लिया और बहुत अच्छा तेज़ी से प्रॉफिट कमा लूँगा, बट ऐसा नहीं है। आप जल्दी से करोड़पति बनने की ना सोचिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट जी हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, इन्होंने मार्केट को टाइम दिया है, धीरे धीरे ही उन्होंने इन्वेस्ट करते गए। 1 का 2 हुआ, 2 का 10 हुआ, 10 का 20 हुआ, 20 का 1,000 लाखों गुना उन्होंने इसी से किया है। एकदम वो कोई करोड़पति नहीं बनता, तो आप ये वाली मिस्टेक भी, ये सोचना भी बंद कर दीजिए। तीसरा है अपना, घबराओ नहीं। लोग जल्दी घबरा जाते हैं, मार्केट एकदम लगा उनको, मार्केट नीचे गिरने वाली है, तुरंत बेच दिया, मार्केट बढ़ने वाली है, ख़रीद लिया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी भाई, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि मार्केट गिर गई, कि स्टॉक नीचे आ गया, 2-4 दिन बाद फिर ऊपर आ गया, बट ऐसा ही होता है। आप पेशेंस रखिए और धीरे धीरे सब अच्छा होता है।
आप अपनी सीमा तय कर लीजिए कि मुझे स्टॉक में इतने का ख़रीदना है, 100 का ख़रीदना है तो मुझे 150 का बेचना है, उससे नीचे या उससे ऊपर मैं नहीं बेचूंगा, और चाहे कितना भी गिर जाए तो भी नहीं बेचूंगा। पर उसको और भी एनालिसिस करके ही आप ऐसा कर सकते हैं, और अपना टारगेट, और लेकिन जल्दी मत घबराइए। चौथा, चलते हैं, बढ़ने दो। ये टाइटल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग ऐसा करते हैं, जो बढ़ता है उसे बहुत जल्दी बेच देते हैं। अगर किसी ने 100 रुपये का लिया, 2 रुपये मिले बेच दिया, लेकिन 10 रुपये मिले बेच दिया, 110 का हो गया बेच दिया, 120 का हो गया बेच दिया दोस्तों, और जो नीचे हो गया उसको होल्ड करते हैं। ऐसा मैंने देखा है और ऐसा कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। इसीलिए कहता हूँ आप पेशेंस रखिए, और जो बढ़ रहा है, क्योंकि जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही और नीचे भी गिरेगा, पर उसकी एक सीमा होती है, और जो गिर रहा है उसको होल्ड करते हैं कि जो 100 रुपये का आपने लिया, 90 हो गया चलो और ऊपर आएगा, 80 हो गया और ऊपर आएगा, 70 हो गया और ऊपर आ गया, भाई भी तो गिर ही रहा है, तो उसको आप देखिए, उसके ऊपर देखिए क्यों गिर रहा है ये, और गिरेगा या नहीं गिरेगा इसके भी आप अनुमान लगाइए, इसका आप रिसर्च करिए तभी आप, और जो बढ़ रहा है उसको और लीजिए, क्योंकि ये बढ़ेगा ना, जो बढ़ता ही अच्छी तरक्की कर रहा है, ये 100 रुपये का स्टॉक 200 हो गया तो उसकी इसमें ग्रोथ है, उस स्टॉक में ग्रोथ है, अब देखिए उस स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, इसमें क्या कंपनी कुछ अच्छा नया कर रही है, या कंपनी ने कुछ अच्छा न्यूज़ आई है उसकी, या क्यों आई है, क्या आई है, आप ज़रूर देखिए। पांचवा, अपना खुद पर करो भरोसा, दूसरों पर नहीं। भाई लोग दूसरों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं कि देखा न्यूज आई, देखा स्टॉक बढ़ेगा तुरंत ले लिया, न्यूज आई कि स्टॉक घटने वाला तुरंत घट गया, तुरंत बेच दिया। पर ऐसा मत कीजिए, आप खुद पे भरोसा करोगे तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे, क्योंकि मार्केट को कोई पकड़ के नहीं रख सकता। हाँ, उतार चढ़ाव ज़रूर होते हैं, पर आप उनको देखिए, उनको परखिए, और आप खुद पर भरोसा करोगे तो ही आप इसमें सफल हो पाओगे। और आप थोड़ा ऊपर नीचे स्टॉक हो तो जल्दी मत घबराइए, और ख़ुद पर बिलीव करिए। छठवां पॉइंट है अपना, मार्केट को टाइम दो, ना कि मार्केट को टाइम करो, क्योंकि मार्केट को कोई नहीं पकड़ पाया, ना कोई अपना अनुमान लगा सकता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कौन सा उसका बॉटम है, कौन सा उसका हाई है, ये कोई नहीं लगा सकता। मार्केट के हिसाब से चलो, ना कि मार्केट को अपने हिसाब से चलने दो। जैसे हमने स्टॉक ले लिया, अब तो 120 में ही बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी 10,000 है तो 15,000 पे आएगा तो ही हम निकलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट तो बढ़ेगा, 10 का 11 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, 18 भी होगा, 50 भी होगा, वो तो बढ़ेगा, पर अपने टाइम से बढ़ेगा, ना कि आपके टाइम से। और अगला है अपना, सातवां पॉइंट है, लॉस हुआ तो कल देखेंगे, ना कि आज। दोस्तों देखते हैं, ऐसा कई बार होता है लोगों के साथ कि उन्होंने किसी में काम किया, 1,000 शेयर ले लिए उन्होंने, और वो 100 रुपये का लिया, 95 हो गया, 5,000 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो अब क्या सोचते हैं, उन्होंने वो ट्रेड ख़त्म कर दिया कि 5,000 रुपये आज ही निकालना है मुझे। ऐसा मत करिए, क्योंकि आप 5,000 के चक्कर में रहोगे तो 5 का नुकसान और हो जाएगा, जितनी पूंजी लगाई है उसकी आधी हो जाएगी। इसीलिए आप अगर लॉस हो गया तो उसको बुक करिए, लॉस बुक करिए, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करिए, लॉस होता है तो लॉस बुक करिए, आप देखिए, उसके बाद आप ट्रेड को बंद कर दीजिए, उसके अच्छा अपना ठंडा दिमाग करिए, मार्केट से ध्यान हटाइए, कोई दूसरा काम करिए, उसके बाद कुछ टाइम बाद आके मार्केट को
आप देखोगे तो कोई दूसरा नज़रिए से आप उसको देखोगे। अगर आप लॉस करके तुरंत देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे चाटा मारा तो उसको भी मारूं मैं। ये रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए आप इन सब बातों पर ध्यान रखिए। इसीलिए लोग क्यों करोड़पति नहीं बन पाते, 7 कॉमन मिस्टेक ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। लॉस हुआ तो कल देखेंगे या थोड़ी देर बाद देखेंगे। दूसरी ध्यान लगाइए, मार्केट को टाइम दीजिए, खुद पर भरोसा करिए, दूसरों पर नहीं। अगर कोई शेयर बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दो, जल्दबाजी मत करिए और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराने से कोई काम नहीं बनता। और आप धैर्य रखेंगे और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखेंगे तो आप ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। और जल्दी करोड़पति बनने की मत सोचिए, रातों रात कोई नहीं बनता, सब धीरे धीरे ही होता है। और आप स्टॉक खरीदिए, धीरे धीरे खरीदिए, सस्ता स्टॉक लेने के ऊपर मत सोचिए। आप स्टॉक भले ही सस्ता भी हो पर उसका वैल्यूएशन देखिए, और महंगा भी हो तो भी उसका देखिए, क्योंकि अच्छा स्टॉक लीजिए, सस्ते और महंगे के चक्कर में मत पड़िए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँगा और इसमें जो भी मुझे गलती हुई है वो आप क्षमा करें। और नीचे आप कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आप कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा कि मैं किस हिसाब से वीडियो बनाऊं और किस का वीडियो बनाऊं। ये भी मुझे बताइए कि आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं मुझसे, मैं वो भी बनाऊंगा। और इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।